दहेज न जाने कितनी बेटियों को मौत की नींद सुला चुका है। इसके बावजूद ये प्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही। सतना के जरियारी गांव में दहेज लोभी पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने दहेज लाने से मना कर दिया। दहेज एक अभिशाप है। मध्य प्रदेश के सतना में भी दहेज को लेकर नवविवाहिता की जिंदगी उसी के पति ने छीन ली, जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी। साथ फेरे लिए थे कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सिर्फ चंद दिनों की दुल्हन है, क्योंकि उसका पति दहेज का लोभी है जो एक न एक दिन उसकी जान ले लेगा। जरियारी गाँव के अस्पताल में नवविवाहिता बेजान पड़ी है और उसके परिजन रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटी की उन्होंने कुछ महीने पहले डोली उठाई थी, एक दिन उसकी अर्थी उठानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को एक इंसान को नहीं बल्कि दहेज के लोभी दानव को सौंप दिया, जिसने उनकी बेटी की जान ले ली। सतना जिले के जरियारी गांव में दहेज हत्या का मामला। राधा पटेल नाम की नवविवाहिता हुई दहेज की शिकार। महिला के पति पुष्पराज पटेल ने दहेज की डिमांड की। दहेज में 5 लाख रुपए अपने पिता से लाने को कहा। राधा पटेल ने 5 लाख रुपए लाने से मना किया। मना करने पर दहेज लोभी पति ने मारपीट की, डंडों से राधा को मारा और फिर मौके से फरार हो गया। घायल राधा को उसके भाई जिला अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राधा की शादी 30 जनवरी 2022 को जरियारी गाँव निवासी पुष्पराज पटेल से हुई थी। विवाह के समय राधा के पिता ने 1.5 लाख की रकम दी थी, लेकिन शादी के बाद पुष्पराज और दहेज की मांग करने लगा था। दहेज नहीं लाने पर राधा को अक्सर प्रताड़ित करता था। राधा के परिजनों ने उसके पति पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। मैं और मेरे बड़े पापा गए, वहाँ मार ही रहे थे, तब लेकर वहाँ से भगे अमरपाटन, यहाँ हॉस्पिटल वहाँ लेकर गया और वहाँ से रेफर कर दिए थे, सतना आ गए और कल आज सुबह में डेथ हो गई मेरी बहन की। मांग कर पहले किए 1.5 लाख रुपए, अब और पैसा चाहते थे, बहन मेरे से बताती थी एक आध बार और मारे थे 4-5 लाख रुपए। दहेज हत्या को लेकर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की बात कही है। ये सतना जिले के नादन थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ जरियारी गांव में राधा पटेल नाम की महिला के साथ उसके पति पुष्पराज पटेल ने कल शाम को मारपीट किया था। रात में जो है सतना जिला अस्पताल में उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर है और आरोपी को भी पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। पुलिस FIR दर्ज कर रही है, मामले का समापन किया जाएगा। 11 महीने शादी और फिर मौत। दहेज ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया, जहां पति जल्लाद बन गया और पत्नी मौत की आगोश में चली गई। सवाल है कि आखिर कब तक महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी, कब तक दहेज का दानव परिवारों को उजाड़ता रहेगा, आखिर कब इस पर लगाम लगेगी और कब बेटियां सुरक्षित रहेंगी। सतना से नजीम के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।